ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कंप्यूटर के अंदर आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। देखो पहली होती है रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी। दूसरी होती है कैश मेमोरी। ठीक है, और तीसरी होती है प्राइमरी मेमोरी। और चौथी होती है सेकेंडरी मेमोरी। बात करते हैं सबसे पहले रजिस्टर मेमोरी की, फिर बात करेंगे कैश मेमोरी की, फिर बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की, फिर बात करेंगे किसकी, सेकेंडरी मेमोरी की। चार प्रकार की मेमोरी होती हैं इसके अंदर। इस मेमोरी के अंदर दो चीज होती है, एक तो होता है स्टोरेज कैपेसिटी, एक होती है इनके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी और दूसरी चीज होती है इसके अंदर इनकी स्पीड। देखो स्टोरेज की अगर हम बात करें तो जो स्टोरेज होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है किसका, सेकेंडरी मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज सर्वाधिक होता है और इससे कम होता है प्राइमरी मेमोरी का। और थर्ड नंबर पर होता है कैश मेमोरी का। और फोर्थ होता है रजिस्टर मेमोरी का। अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम किसकी होती है, रजिस्टर मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। अगर बात करें स्पीड की तो रजिस्टर मेमोरी सर्वाधिक तेज मेमोरी होती है, रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, रजिस्टर मेमोरी से दूसरे नंबर पर आती है स्पीड में कैश मेमोरी, मतलब कि ये कम होती है इसकी, सेकंड नंबर पर कम। तीसरी आती है प्राइमरी मेमोरी की स्पीड, इससे भी कम होती है। और चौथा नंबर आता है सेकेंडरी मेमोरी। तो इससे चार क्वेश्चन निकल कर आते हैं। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी। तो हम लिख सकते हैं यहां पर सर्वाधिक तेज गति वाली मेमोरी, गति
वाली मेमोरी कौन सी होती है? वो होती है रजिस्टर मेमोरी। उसके बाद बात आती है किसकी? सर्वाधिक न्यूनतम गति वाली मेमोरी कौन सी होती है? सबसे कम स्पीड किस मेमोरी की होती है? वो होती है सेकेंडरी मेमोरी की। अब बात आती है किसकी? स्टोरेज कैपेसिटी सर्वाधिक किसकी होती है? स्टोरेज कैपेसिटी सर्वाधिक किसकी होती है? सेकेंडरी मेमोरी की। स्टोरेज कैपेसिटी न्यूनतम किसकी होती है? रजिस्टर मेमोरी की। देखो, प्राइमरी मेमोरी को हम क्या-क्या कह सकते हैं? हम मैन मेमोरी कह सकते हैं। इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम और क्या कह सकते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं किसकी? जो रजिस्टर मेमोरी होती है ये कितने प्रकार की होती है? ठीक है, बात करते हैं रजिस्टर मेमोरी की। रजिस्टर मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और एक होती है MBR। एक होती है MAR और एक होती है MB और R। ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे स्टोरेज कैपेसिटी सर्वाधिक किसकी होती है? सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी सर्वाधिक सेकेंडरी मेमोरी की, न्यूनतम रजिस्टर मेमोरी की, और स्पीड में तेज कौन सी होती है? रजिस्टर मेमोरी। और फिर उसके बाद सबसे कम स्पीड होती है सेकेंडरी मेमोरी की। अब सबसे पहले आती है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी पहला नंबर, और दूसरा नंबर आता है केस मेमोरी। केस रजिस्टर मेमोरी दो प्रकार की होती है वैसे, पहली और ये दूसरी। एक होती है MAR, एक होती है MBR। इसका पूरा नाम होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और एक होता है मेमोरी बफर रजिस्टर।
एक होती है एम ए आर, एक होती है एम बी आर। बात करते हैं रजिस्टर मेमोरी की, ये सबसे तेज गति वाली मेमोरी है और न्यूनतम स्टोरेज होता है इसके अंदर। डेटा स्टोर और ट्रांसफर की सबसे छोटी इकाई, डेटा का स्टोरेज, डाटा स्टोरेज प्लस डेटा ट्रांसफर की। सबसे छोटी का ये है। इकाई होती है। उसके बाद खास बात क्या है, सीपीयू में डेटा स्टोर नहीं होता, इसलिए इसको रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के द्वारा बार बार में आने वाले डेटा एंड निर्देशों के मेमोरी एड्रेस को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। कहने का मतलब क्या है, एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के एक सेट को रजिस्टर कहा जाता है। सीपीयू में डाटा स्टोर नहीं होता, सीपीयू में डाटा स्टोर नहीं होता है। ठीक है, सीपीयू में डाटा स्टोर नहीं होता है। उसके बाद बात आती है किसकी, एम ए आर की, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की, और बात आती है किसकी, मेमोरी बफर रजिस्टर की। तो इस मेमोरी को, मेमोरी बफर रजिस्टर को एम डी आर भी कहते हैं, मेमोरी डेटा रजिस्टर। इस वाली मेमोरी को क्या कहते हैं, एम डी आर भी कहते हैं इस वाली मेमोरी को। इसका पूरा नाम होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद एम ए आर का मतलब क्या होता है, देखो एम ए आर इस मेमोरी का मतलब, इसका उपयोग क्या है कि इसका मतलब होता है कंप्यूटर में एम ए आर का मतलब होता है रजिस्टर मेमोरी से, जिसका काम होता है मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना है। इसमें सूचना होती है कि सीपीयू डेटा को कहाँ से प्राप्त करेगा, कहाँ से प्राप्त करेगा एवं कहां पर स्टोर करेगा, कहां पर स्टोर करेगा, इसका मतलब होता है। तो दूसरी मेमोरी क्या है, एम बी आर, मेमोरी बफर रजिस्टर का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, मेमोरी एड्रेस की कॉपी होती है जो एक बफर के रूप में कार्य करती है। मेमोरी एड्रेस की एक कॉपी होती है जिसे जो एक बफर के रूप में कार्य करती है। कार्य करती है कैश मेमोरी की, कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से तेज होती है। यह है मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से, प्राइमरी मेमोरी से तेज होती है। जो कैश मेमोरी होती है ना, ये लगी होती है प्राइमरी मेमोरी, जो सीपीयू होता है, एक तो होता है सीपीयू, सीपीयू होता है ये,
इसके बीच लगी होती है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। और किसके बीच लगी होती है? मैन मेमोरी के बीच। ठीक है, मैन मेमोरी के बीच लगी होती है। हाँ कैश मेमोरी ये क्या काम करती है? बफर का काम करती है, बफर के रूप में काम करती है। उसके बाद जो कैश मेमोरी होती है ये रजिस्टर मेमोरी से कम तेज होती है, रजिस्टर मेमोरी से की तुलना में, रजिस्टर मेमोरी की तुलना में कम तेज होती है, कम तेज होती है। करते हैं हम कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी जो होते होता है लोकलिटी ऑफ रेफरेंस का काम करती है, रेफरेंस का कार्य करती है। लोकलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है समान वैल्यू या संबंधित स्टोरेज लोकेशन की तुरंत एक्सेस करती है। कैश मेमोरी को सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। कैश मेमोरी को सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है, कहते हैं। याद रखना है क्योंकि ये सीपीयू को क्या करती है? मेन मेमोरी से जोड़ती है, और मेन मेमोरी से किसको जोड़ा जाता है? सीपीयू को। तो इसका मतलब कैश मेमोरी दोनों काम करती है। उसके बाद जो कैश मेमोरी होती है तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। पहला प्रकार क्या है इसका? L1, दूसरा प्रकार है L2, तीसरा प्रकार है L3। तीन प्रकार की मेमोरी होती है, ठीक है, L1, L2 और L3। उसके बाद कैश मेमोरी बनी किस किस की होती है? सेमीकंडक्टर चिप की, सिलिकॉन की और जर्मेनियम की। तो अर्धचालक धातु होती हैं ये, जो कैश मेमोरी होती है अर्धचालक धातुओं की बनी होती है, धातुओं की बनी होती है। तो पहला क्या है इसके अंदर? दो यूज होते हैं, एक तो है सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रतीक होता है SI, और एक है जर्मेनियम। ठीक है, दो प्रकार की अर्धचालक धातुएं होती हैं, ठीक है, ये उनकी बनी होती है। अब बात करते हैं इसके अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाद। इसमें मुख्य मेमोरी एवं प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो मेन मेमोरी होती है और जो प्रोसेसर के बीच स्पीड की जो रुकावट होती है उसको दूर करने के लिए, मुख्य मेमोरी एवं प्रोसेसर के बीच मैन मेमोरी और जो सीपीयू होता है, ये सीपीयू है। तो सीपीयू का दूसरा नाम एक हम कह सकते हैं कि प्रोसेसर होता है, और सीपीयू के अंदर ही क्या होता है? प्रोसेसर लगा होता है। यहाँ ये क्या है? प्रोसेसर है, हम इसको मान सकते हैं कि ये क्या है? प्रोसेसर है। सीपीयू के अंदर जो तो प्रोसेसर होता है उससे ये मैन मेमोरी को अटैच करता है, ये मेमोरी इसको अटैच करती है। ये प्रोसेसर है मतलब सीपीयू के अंदर, और ये क्या है? मेन मेमोरी। तो इनके बीच में जो कैश मेमोरी होती है ना, ये जो कैश मेमोरी है ये तो क्या है?
प्रोसेसर मतलब सीपीयू के अंदर है, तो यहाँ पर स्पीड एक ब्रेकर होता है, ब्रेकर को हटाने का काम करती है, स्पीड ब्रेकर को हटाने का काम कौन करता है, ये करती है कैश मेमोरी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मेमोरियों की। देखो इसके बाद आता है डाटा एक्सचेंज मेथड। डाटा एक्सचेंज मेथड का मतलब क्या होता है, देखो डेटा एक्सचेंज मेथड, डाटा एक्सचेंज मेथड, डाटा एक्सचेंज मेथड 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है क्रमिक, क्रमिक और एक्सचेंज मेथड, एक्सचेंज विधि। दूसरा होता है सीक्वेंशियल, क्रमिक को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेथड, और दूसरा होता है क्रमिक के बाद बोलेंगे इसको सीक्वेंशियल डायरेक्ट, नहीं पहला है डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सेस मेथड, दूसरा है क्रमिक एक्सेस मेथड। इसको बोलेंगे सीक्वेंशियल। एक्सेस मेथड। और तीसरा आता है इंडेक्स सीक्वेंशियल, इंडेक्स सीक्वेंशियल। क्रमिक एक्सेस इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। जो पहला होता है ना डायरेक्ट एक्सेस मेथड, दूसरा होता है क्रमिक एक्सेस मेथड, तीसरा होता है इंडेक्स एक्सेस, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। जैसे इसमें मान लो डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे एक मान लो क्या है चुंबकीय मेथड है कोई, तो इसके अंदर देखो इसके अंदर 100 सॉन्ग भरे हुए हैं, 100 सॉन्ग। तो सबसे पहले पहला चल गया, फिर पांचवा चल गया, फिर आठवां चल गया, फिर क्या है 12वां चल गया। इस कंडीशन को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेथड। लेकिन क्रमिक में क्या होता है, पहला चलेगा फिर दूसरा चलेगा फिर तीसरा चलेगा फिर चौथा गाना चलेगा फिर पांचवा चलेगा, ऐसे क्रम से चलते जाते हैं, इसको बोलते हैं क्रमिक एक्सेस मेथड। इंडेक्स में पहला भी चल सकता है, पांचवा भी चल सकता है, जैसा आप चलाना चाहो। इसमें पहला भी चल सकता है, दूसरा भी चल सकता है, तीसरा भी चल सकता है, पांच के बाद आठवा चल गया। इसमें दोनों विधि होती हैं, दोनों विधि को बोलते हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ठीक है, बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेथड। इसका सिंपल उदाहरण है, तो पहले क्रमिक सीक्वेंशियल का एक उदाहरण है चुंबकीय
टेप, चुंबकीय टेप, ठीक है, चुंबकीय टेप इसका उदाहरण है। और डायरेक्ट एक्सेस का क्या है? चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय डिस्क। सीक्वेंशियल में क्या है? चुंबकीय टेप। और डायरेक्ट में क्या है? मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क, ठीक है, चुंबकीय टेप और इसमें है मैग्नेटिक डिस्क।